आपका क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. इफ द बॉल इज फिल्ड विद सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्या बताया है, कौन से शेप में है? इट्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉल. ठीक है, तो सिलेंड्रिकल बॉल का इसने ये नहीं बताया कि क्या हाइट है, उसने क्या क्या बताया है कि उसका डायमीटर. तो डायमीटर ऑफ बॉल क्या दिया हुआ है इसने, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया उसका, रेडियस इज 7 बाई 2 सेंटीमीटर. फिर इसने कहा इफ द बॉल इज फिल्ड विद सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तो उसने क्या कहा, हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो हमारी बॉल की हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो सकती है, इसलिए हम हाइट लिख लेते हैं, हाइट एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी फुल करके वो दे रहा है. हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स. ठीक है, तो अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ 1 पेशेंट्स क्या सर्व कर रहा है. तो क्या है हमारा, कौन से शेप में है ये, सिलेंड्रिकल शेप. आपका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब हम निकालते हैं 250 पेशेंट्स का, तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 250 पेशेंट्स को कितना सर्व हो रहा है, वो हम वॉल्यूम निकालते हैं, वो हमारा है पाई आर स्क्वायर एच इनटू 250. ठीक है, अब हम वैल्यू इसमें डालते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा. हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू वॉट इज आर, आर इज 7/2 × 7/2 × वॉट इज एच, एच इज 4 इंटू 250. ठीक है, तो 7 कट गया हमारा, और 2 and 2 भी कट गया 4 के साथ. तो हमारा यहां पर कितना आ गया, 22 × 7 × 250. तो हमारा आया 22 × 7 × 250. ठीक है, तो 7 × 22 कितना होता है हमारा, 154 × 250. इसको सॉल्व करो, देखते हैं कितना आता है, 154 and 25, 250. तो जीरो का जीरो अलग ही आ जाएगा, 5 4 20, 2 carry 5 5 25 27, 2 carry 5 5 + 2 = 7. नेक्स्ट 2 2 4 8, 2 5 10, 1 carry 2 1 2 एंड 1 is 3. तो आपका आ गया 0 15, 1 carry 8 एंड 3 and 0 इधर है, तो 3 8 5 0 0. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 8 5 0 0 क्या है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा वॉल्यूम निकला, लेकिन कैपेसिटी इन लीटर्स, कैपेसिटी भी निकालना है हमको. तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम, कैपेसिटी यानी कितने लीटर्स उसको बनाना पड़ेगा पूरे पेशेंट को सर्व करने के लिए. तो कैपेसिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1000 cm³ = 1 liter.
दिस मच सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होगा? 38500 सेंटीमीटर क्यूब अब हमारा कितना लीटर होगा? 1/1000 इंटू 38500। ठीक है, तो 00 हमारे कट हो जाएंगे, दो जीरोस, टू जीरोस, और नीचे एक ही बचा यानी 38.5। तो हमारा क्या आ गया? 38.5 liters। सूप उनको बनाना पड़ेगा पूरे पेशेंट्स को, 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। ठीक है।